बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के आयकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जाप के वर्करों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। जाप कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने की मांग नीतीश सरकार से की है। जाप ने अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की है। दरभंगा और मधुबनी में ही पिछले दो दिनों में 11 बेगुनाह लोगों की हत्या हो चुकी है। जाप के वर्करों ने केशव चौधरी और राहुल झा की हत्या के केस में डॉक्टर सिद्धार्थ की भूमिका की जांच की मांग की है। जाप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि सूबे में अपराधियों ने तांडव मचाया हुआ है। चुनमुन यादव का कहना है कि बिहार में दो दिन में लगभग 40 लोगों की हत्या हो चुकी है। चुनमुन यादव ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग नीतीश सरकार से की है। अपराध बेलगाम हो चुका है बिहार में। सड़क पे चलना लोगों के लिए किसी दुर्घटना से कम नहीं है। आज देश औसतन बिहार में रोज 9 हत्या और 4 रेप की घटना हो रही है और सरकार घटना पे लगाम लगाने के लिए बिल्कुल विफल रही है। नीतीश कुमार का जो जुमला था कि बिहार में कानून का राज है, बिहार वह जुमला अब नीतीश कुमार भूल से भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सार्वजनिक जगह नहीं बोल रहे हैं कि बिहार में अमन चैन है और कानून का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जान रहे हैं कि बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है और रोज लोगों की हत्या हो रही है। लोग तो अब डर रहे हैं कि हम सड़क पे निकलेंगे तो कब किसका हत्या हो। आप दरभंगा छोटा सा शहर है, देख लीजिए दरभंगा की स्थिति क्या है। आए दिन रोज घटना हो रही है लेकिन सरकार इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा रहे हैं। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, हर चौक चौराहे पे जहां भी देखिए पुलिस सिर्फ गाड़ी लगा के वसूली करने का काम करते हैं और उनका अपराधी के साथ मिलीभगत है और जिसकी बात सरकार भी जानती है लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है क्योंकि सरकार के यहाँ से उसको माल पहुँचाया जाता है। सरकार स्थानीय प्रशासन और ऊपर तक सब मिले हुए हैं और अपराध बढ़ रहा है। बिहार में वाकई में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पिछले दिनों कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद सुशासन के दावे खोखले लग रहे हैं। किसी भी राज्य में विकास के लिए कानून और व्यवस्था का कायम होना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अपराध के बढ़ते ग्राफ की वजह से आम लोगों में डर का माहौल कायम हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।